आध्यात्म का हुआ ऐसा असर कि करोड़पति बाप का इकलौता बेटा 16 साल की उम्र में बन गया जैन मुनि। न माँ ने दी ममता की दुहाई, न पिता ने फर्ज याद दिलाया, बेटे के कदम का किया खुशी खुशी स्वागत। देखिए कौन है ये 16 साल का किशोर और कहां का है रहने वाला जो पिता की अकूत संपत्ति को छोड़ आध्यात्म यात्रा पर निकला। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, ये कहानी आपको चौंका देगी, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और ये कहानी आपको आध्यात्म की हकीकत बताएगी। ये कहानी 16 साल के अचल जैन की है जिनके पिता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अचल चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन पिता की करोड़ों की संपत्ति को उन्होंने ठुकरा दिया और आध्यात्म का अलख ऐसा जागा कि जैन मुनि बन गए। अचल के परिवार ने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि सबने खुशी खुशी बेटे के फैसले का स्वागत किया। अचल महज 16 साल के हैं और 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन इस सांसारिक दुनिया से उन्हें वैराग्य हो गया। यही कारण है कि उन्होंने पिता के करोड़ों के कारोबार में रुचि न लेकर संयम की राह पकड़ी है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के पास के गांव नागदा के रहने वाले एक बड़े कारोबारी हैं मुकेश श्री श्री माल, जिनके इकलौते बेटे अचल जैन अब जैन मुनि बन गए हैं। अचल बीते 2 साल से मुमुक्ष वैराग्य काल में गुरु भगवंतों के सानिध्य में चल रहे थे, अब उन्होंने वैराग्य धारण करने का फैसला किया है। अचल बताते हैं कि 2 साल पहले 2020 में नागदा में वशारवास हुआ था, तभी से उनके मन में संयम की राह पर चलने का विचार आने लगा। अब तक वे आष्टा, भोपाल, शुजालपुर समेत कई शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल विहार कर चुके हैं। संयम की राह पर चलने का संकल्प ले चुके अचल ने रविवार को एक समारोह में दीक्षा ली। उन्हें गुरुदेव उमेश मुनि के शिष्य जिनेन्द्र मुनि ने दीक्षा दिलाई। जब अचल ने दीक्षा ली तो दीक्षा महोत्सव जय जयकार से गूंज उठा। मालवा महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष मेहता ने बताया कि नागदा में सबसे कम उम्र की दीक्षा अचल जैन की ही हुई है। इससे पहले 1980 में नागदा की बेटी साध्वी मधु मसा की दीक्षा हुई थी। अचल के माता पिता दोनों खुश हैं और उनका कहना है कि संसार में कुछ नहीं है, केवल दिखावा है। कितना भी पैसा धन संपत्ति हो जाए, शांति नहीं मिलती, इसीलिए हमने बेटे को रोका नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई लोग लाखों की संपत्ति छोड़कर दीक्षा ले चुके हैं। इसके साथ ही वो वैराग्य धारण कर चुके हैं, साथ ही सात्विक जीवन जी रहे हैं। कहीं कहीं तो पूरे परिवार ने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया। तो अब अचल जैन जो कि अपने पिता के इकलौते वारिश थे, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति को न चुनकर धर्म की राह को चुना और संयम पर निकल पड़े। अचल के इस फैसले की पूरे परिवार की तरफ से तारीफ हो रही है, तो वहीं उनके नाते रिश्तेदार भी उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।